हाय गाइस, दिस इज रवि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, घर में रहेंगे तभी सेफ रहेंगे क्योंकि बाहर कोविड है। ठीक है, और हमारे पास में एक क्वेश्चन भी है। घर में रहते हुए क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते रहिए। एंड द क्वेश्चन इज दिस, विदाउट एक्चुअल डिविजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से समझेंगे तो इजीली समझ में भी आएगा आपको। ठीक है, और क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करना है ये भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब ये सभी है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद, लेट सपोज आप एक एग्जांपल देता हूं आपको, इजीली समझ में आएगा। 1/2 है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 आएगा। तो ये एक तरह से क्या है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही है कि जो पॉइंट के बाद में पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वही होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमारे पास तीन क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 13/80। ठीक है, तो इसको ऐसे तो हम बता नहीं सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, क्या हमें 80 का टेबल पता है? अगर नहीं पता है तो सबसे पहले ये होगा, अच्छा होगा कि आप टेबल लिख ले साइड में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर टेबल लिख देता हूँ जिससे आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सो 80 का टेबल लिख लेंगे पहले हम। 81 जा 80। ठीक है, 82 जा कितना होता है? 160। 83 जा कितना होता है? 240। 84 जा कितना होता है? ठीक है, तो पहले आप टेबल लिख लेंगे तो आपको इजीली, आपको किसी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 320, इसके बाद 85 से कितना होगा? 400। ठीक है, और 86 से कितना होगा? 480। 87 से कितना होगा? 560। 88 जा कितना होगा? 640। ठीक है, 89 जा कितना होगा? 720। और 810 जा कितना होगा? 810 जा 800 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब टेबल लिख लिया हमने, तो हम इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं। डिवाइड करने के लिए इसे हम सिंपल से कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 13/80। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। आप देखेंगे जो ये डिनोमिनेटर है ये नोमिनेटर से बड़ा है, तो ऐसा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक पॉइंट लगाने के बाद जो मैथ का रूल होता है उसमें आप 10 नंबर्स तक पॉइंट लगा सकते हैं, मतलब 10 बार एक दशमलव लगाने के बाद जीरो बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, एक पॉइंट लगाएंगे 10 बार जीरो बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब 80 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि 130 से ज्यादा ना हो, उससे कम हो जाए चलेगा। ठीक है, तो हम टेबल में आके देखेंगे, अगर हम दो बार पढ़ते तो कितना हो जाता है? 160 हो जाता है, जो कि 130 से बड़ा है। तो हम कितनी बार इसका टेबल पढ़ेंगे? इसका टेबल हम बस एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक यहां पर लिखेंगे और 80 यहां पर लिखेंगे और अब इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जीरो से जीरो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? जीरो बचेगा। अब 13 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 5 बचेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया इजीली? इसके बाद फिर से हम एक जीरो यहां पर बढ़ा देंगे। अब देखेंगे टेबल में कि कितनी बार इसका हमें टेबल पढ़ना है। ठीक है, तो हम अगर 5 बार देखें तो 400 है और ये 500 है, तो इससे कम आ रहा है। 6 बार देखें तो कितना है? 480 है और ये कितना है? 500 है। ऑब्वियसली 500 से ये छोटा है, 500 से 480 छोटा है,
तो उससे आगे देखेंगे तो 560 हो जाता है, तो जो कि 500 से बड़ा हो जाता है। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे इसका टेबल? इसका टेबल हम पढ़ेंगे 6 बार, और लिखेंगे कितना यहाँ पर? यहाँ पर हम लिखेंगे 480। यहाँ तक समझ में आया? माइनस कर लेंगे, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 0 है, तो 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम एक कैरी कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। अब फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट लगाने के बाद हम कितने अंक तक 0 बढ़ा सकते हैं? हम 10 अंक तक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 200 हो गया, ठीक है। तो अब 80 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे हम? अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 240 हो जाता है, जो कि 200 से बड़ा होता है। हमें ऑब्वियसली 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे और 160 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक इजीली समझ में आया आपको? 0 से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ 0 है, यहाँ पर 6 है, तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी करेंगे, ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ तक इजीली समझ में आया। अब इसके बाद फिर से हम एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तब अब कितना हो गया? अब हो गया हमारा 400, ठीक है। अब 400 देखते हैं कि 80 के टेबल में आता है। ओहो, आता है। अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो आएगा, ठीक है। तो ये 400 हो जाएगा, और 400 से 400 कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा? 1625। तो हमें क्या करना था? हमें बस इसको बताना था कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन इजीली समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं मैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नहीं, ठीक है। सो लेट्स डू इट। सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन इज 7/24, ठीक है। तो हम 80 का टेबल यहां से डिलीट कर देते हैं, स्कीप कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब 80 के टेबल की हमें जरूरत नहीं है। अब हमें जरूरत है 24 के टेबल की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इजीली 24 का टेबल लिख लेंगे, तो हमें समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, हम 24 का टेबल लिखेंगे। 24 into 1 is equal to 24, 24 into 2 is equal to 48, ठीक है, और 24 into 3 is equal to क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 में, तो क्या हो जाएगा? 4 3 12 एंड 3 2 6 1 7, ठीक है, 72 हो जाएगा। 24 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 4 16, 4 2 8 + 1 9, 96 हो जाएगा। एंड 24 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 5 4 20 के 0 2 कैरी करेंगे, 5 2 10 + 2 12, ठीक है, इजीली समझ में आया तक। इसके बाद 24 इंटू 6, ठीक है, तो 6 4 24 24 का 4 2 कैरी हो जाएगा, 6 2 12 + 2 14, ठीक है, 144। उसके बाद 24 into 7, ठीक है, तो 24 into 7 कितना हो जाएगा? 7 4 28 का 8 लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, 7 4 7 2 14, 14 + 2 16 हो जाएगा, ठीक है, इजीली समझ में आया आपको। और 24 into 8 हो जाएगा यहाँ पर, 8 करेंगे तो कितना होगा? तो 8 4 8 4 32 का 2 लिखेंगे, बचा कितना? 3 बचा, 3 कैरी करेंगे, 8 4 8 2 16 16 + 3 19 हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद 9 आ जाएगा, 24 into 9, ठीक है। तो 9 से करेंगे तो 9 4 36 36 का 6 लिखेंगे, 3 कैरी करेंगे, और 9 2 18, ठीक है, 18 + 3 21 हो जाएगा, या 21 लिखेंगे, और जब हम 24 into 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 240, ठीक है। तो इजीली आपको समझ में आया, ये हमने टेबल लिख लिया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो टेबल लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस टेबल में देखना है और यहां पर लिखना है, तो इसलिए हमने टेबल लिख लिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा 7/24, ठीक है। अब हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है, तो टेबल हम पढ़ नहीं सकते हैं। टेबल पढ़ने के लिए जो नोमिनेटर का है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे,
और यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे। अब ये कितना हो गया 70, अब ये वाला बड़ा हो गया इससे, ठीक है। तो अब हम टेबल में देखेंगे कि कितनी बार 24 का हम टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर तीन बार पढ़ते हैं तो कितना आता है 70, जो कि 72 आता है, 70 से बड़ा हो जाता है। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 48, ठीक है। यहां तक समझ में आया इजिली, इसके बाद ना इसको माइनस करते हैं। जीरो है, जीरो से एट माइनस नहीं होगा, ऑब्वियसली हमें यहाँ से एक लेना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10 से अगर 2 करेंगे तो यहाँ 10 से 8 करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 6 बचा, क्योंकि हमने एक से ले लिया था, तो यहाँ पर एक माइनस हो गया। तो यहाँ पर 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इजिली समझ में आया आपको, आगे देखते हैं। आगे फिर से हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे और टेबल में देखेंगे कि अब 24 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे। तो ये 224 है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 8 बार भी इससे छोटा पड़ रहा है, 9 बार भी कितना आ रहा है, 216 आ रहा है। अगर हम 10 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो हम 9 बार इसका टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 216, ठीक है। इजिली समझ में आपको यहाँ तक। अब इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने के लिए 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ से एक कैरी करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 करेंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बचा, एक से एक 0 हो जाएगा और 2 से 2 0, ठीक है। तो ऑनली हमारा कितना बचा, 4 बचा, फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 24 का 48 होता है, लेकिन 24 का एक ही बार में टेबल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 48 ज्यादा हो जाता है। तो ये 24 हो जाएगा, माइनस करेंगे 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 3 में से ये 1, ठीक है। इजीली समझ में आपको यहां तक। अब आगे फिर से एक 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 160। तो अब टेबल में देखेंगे कितनी बार पढ़ेंगे, अगर 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाता है, 7 बार पढ़ेंगे तो 168 हो जाता है, ठीक है। तो वो जो कि 160 से ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम कितने बार पढ़ेंगे इसका टेबल, इसका हम 6 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है। 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, ठीक है, 144। अब माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहां से 10 में से अगर 4 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। यहां पर कितना बचा, 5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 160। अब फिर से 6 बार जाएगा, अब फिर से इतना ही आएगा, 144 होगा, फिर उसके बाद कितना बचेगा, फिर से 60 बचेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 16 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 10 में से 4 गया तो 6 जाता है और 5 में से 4 चला जाता है तो कितना, 1 हो जाता है। फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 6 बढ़ जाएगा, मतलब ये लगातार 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 मतलब ऐसे ही जाता रहेगा, मतलब 6666 ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और ये एक तरह से क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो इजीली समझ में आया आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब जो रिपीटिंग होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रिपीटिंग नहीं होता। तो एज पहले मैंने आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाया, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, तो ये वाला तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन ये वाला, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, हमें बस यही फाइंड करना है और ज्यादा इससे कुछ नहीं करना। सो लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नहीं है। तो जो नॉर्मल ये 12 का टेबल तो हमें इजीली आता है, तो 12 का टेबल लिखने की जरूरत नहीं होगी हमें, तो इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, 5 / 12, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाएंगे या जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तब भी नहीं होगा, 3, 4 बार पढ़ते हैं, कितना होगा, 12, 14, 48, कितना बचा, 2 बचा हमारा, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 1 बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, फिर कितना बचा, 8 बचा, अब फिर से यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, अब कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे इसका, तो क्या होगा, 72 हो जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, अब फिर से 6 बार पढ़ेंगे, फिर से 72 हो जाएगा, और फिर से कितना बचेगा, 8 ही बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 6 बार पढ़ेंगे, मतलब ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको इजिली फाइंड कर सकते हैं कि
टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। तो इजीली आपका समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।